तो बच्चों आज हम आपके सामने करने वाले हैं ट्राइंगल एंड दियर प्रॉपर्टीज ठीक है तो पहले हम लोग समझेंगे ट्राइंगल किसको बोलते हैं मीन्स होता है थ्री एंगल्स जिसके पास थ्री एंगल्स हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल ओके तो हमारे पास दो फिगर दे रखे हैं यहाँ पे तो आपको ये बताना है कि इसमें से ट्राइंगल कौन है ओके okay, तो देखिए ये टू फिगर्स हमें दिए गए हैं ओके ए बी एंड सी और दूसरा दे रखा है आर एंड एस ठीक तो ये टू एंगल दे रखे आपको टू फिगर्स दे रखे हैं इसमें आपको बताना है तो ट्राइंगल किसके बोलते हैं जिसके थ्री एंगल्स होते हैं तो एंगल्स तो पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे एंगल्स किसको बोलते हैं जहाँ पे टू लाइन सिगमेंट या टू लाइंस मिलती हैं ठीक है टू रेज मिलती हैं जहाँ पर वो जो फॉर्म करते हैं ना तो उससे बोलते हैं एंगल जैसे इसने ये एंगल्स फॉर्म कर रखा है ठीक है ए एंगल ये बी एंड ये सी ठीक है तो इसके थ्री एंगल्स थ्री एंगल्स बन गए ना एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी ओके okay. इसमें देखेंगे हम लोग तो एक तो ये बन रहा है एंगल क्योंकि यहाँ पे ये लाइन सीगमेंट है पी क्यू एंड दूसरी है क्यू आर ओके तो एक लाइन एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है तीसरा एंगल नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स दिस इज़ अ ट्राइंगल एंड दिस इज नॉट अ ट्राइ ओके तो ये हमें समझ में आ गया है कि एंगल एंड ट्राइंगल तो इसने सिंपली बताया है कि क्लोज फिगर है ये क्लोज फिगर ये नहीं है तो ट्राइंगल इज़ अ क्लोज फिगर ओके ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर मेड बाई ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलियर पॉइंट्स ठीक है तो नॉन कोलीनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं कि ये देखो थ्री पॉइंट्स है ना ए बी एंड सी तो नॉन को कोलियर मतलब होता है कि जो एक लाइन में नहीं है सीधे लाइन में नहीं है ये ऐसा ये ए ये बी एंड सी तो ये सब एक लाइन में है ना तो एक, इसको हम बोलेंगे कोलीनियर पॉइंट्स क्योंकि ये एक लाइन में है सब एक लाइन बन रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक लाइन में नहीं है तो इसे बोलते हैं नॉन कोलियर पॉइंट्स ओके तो कोलिनियर पॉइंट्स से जो मिल ज्वाइन करके जो लाइन सीगमेंट बनी हुई है हम दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल ओके ये आपको uh, समझ में आया नेक्स्ट है इसका टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ठीक है टाइप्स ऑफ ट्राई एंगल्स अब किसके बेस पे है बेस्ड ऑन साइड साइड मतलब ये साइड के बेस पे हम लोग इसको हम लोग टाइप्स बताएंगे बेस्ड ऑन साइड ओके okay. तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो आपके पास दिया हुआ है जो फर्स्ट ट्राइंगल दिया गया आपका दैट इज इक्वी लेटर ट्राइंगल ठीक है इक्वीलेटर ट्राइंगल ठीक है अब इक्विलेटेड ट्रायंगल क्या होता है पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इनकी जो लेंथ होगी इसकी 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 इक्वल लेंथ के होंगे तीनों के तीनों दैट इज कॉल्ड इक्विलेटर ट्रायंगल ओके समझ में आ गया तो अभी हम इसको अगर लिखेंगे ये समझ में आ गया कि थ्री साइड्स अगर हम इसे टू सेंटीमीटर लिखते हैं तो ये भी टू सेंटीमीटर का होगा और ये वाली भी टू सेंटीमीटर की होगी तो ये सब बराबर होंगे ठीक है नेक्स्ट आपका है नंबर टू तो अगर ये है ये टू अगर सेंटीमीटर का है तो ये के, ये कितने हैं अगर हम लोग इसको थ्री सेंटीमीटर और थ्री सेंटीमीटर तो टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ सिर्फ दो साइड इक्वल लेंथ की होंगी तीसरी साइड अलग लेंथ का होगा ओके तो वी राइट ओके तो दैट इज आई लेस ट्राइंगल थर्ड जो दिया है आपको दैट इज स्केल ट्राइंगल ओके स्केल ट्राइंगल ट्राइ ट्राइंगल तो अभी हम इससे समझेंगे इसके लिए ट्राइंगल क्या होता है विद नो नो साइड साइड टू इक्वल इक्वल कोई भी नहीं है उसका ओके okay? तो जैसे हमने अगर फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल हमने बना लिया है दिस इज टू सेंटीमीटर दिस इज थ्री सेंटीमीटर एंड दिस इज फोर सेंटीमीटर तो देखिए साप की लेंथ अलग अलग है ना तीनों साइड की तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है ठीक है ओके तो इसमें क्या है कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो अभी हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड में कितने टाइप्स के मिले हमें इक्वलेटरल ट्राइंगल आइसो स्केल ट्राइंगल एंड स्केल ट्राइंगल ओके तो ये हमें थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स मिल गए हैं तो अभी हम लोग इसमें जो इसका दिया हुआ है ये जो दिया है तो इसने ये बोला हुआ है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इसमें दिया था, अभी हम ये करेंगे तो इसने इस लेंथ बतानी है ठीक है तो लाइन सिगमेंट ए बी ए बी का कितना है बोला बी सी एंड ए सी ये हम देखेंगे तो इसका मेजर करते हैं हम लोग टू पॉइंट फाइव ठीक है ये भी टू पॉइंट फाइव एंड दिस इज ऑल्सो टू पॉइंट फाइव तो ये सब टू पॉइंट इक्वल लेंथ की हो गई है ये सब ठीक है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है इक्वल लेंथ की हो. तो इसमें ये इसने लिखा है ना तो लाइन सीगमेंट ए बी कितनी है टू पॉइंट फाइव ये भी 2.5 ये भी 2.5 अभी ये देखिए ये तीनों सेम किसके हो गई हैं लेंथ की हो गई हैं तो अभी आपने पढ़ा था सेम लेंथ की जो होती हैं ठीक है ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ दैट इज कॉल्ड इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल आ गया है इक्विलेटर समझ में अभी हम इसका मेजरमेंट करते हैं दिस इज देखिए कितना है 2.5 ये देखिए थ्री पॉइंट सेवन ऐसा है और ये दिस इज ऑल्सो थ्री पॉइंट सेवन ठीक है तो दिस इज थ्री पॉइंट सेवन सेंटीमीटर थ्री पॉइंट सेवन सेंटीमीटर तो इसमें हमने क्या देखा है टू टू साइड सेम आ गई है इसकी तो जो अभी हमने पढ़ा था टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ठीक है टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ दैट इज दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड आई सॉस ट्राइंगल ओके नेक्स्ट आपका है अभी हम इसका मेजरमेंट लेंगे 2.5 सेंटीमीटर ओके 2.5 सेंटीमीटर दिस इज टू पॉइंट सेवन के लगभग है टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर एंड दिस इज दिस इज 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर तो आप इसमें क्या देख रहे हैं ये साइड अलग लेंथ की है ये साइड अलग लेंथ की है और ये साइड अलग है तीनों साइड अलग अलग लेंथ की है दैट मीन्स दिस इज स्केल एंड ट्राइंगल नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइ बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एंगल्स ठीक है बेस्ड ऑन एंगल्स के फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राई एंगल फर्स्ट वन एक्यूट का मतलब क्या होता है पहले एक्यूट मतलब है जो 90 डिग्री से छोटा है ठीक है तो ये सब कैसे हैं 90 डिग्री से छोटे हैं ना सारे एंगल्स इसके तीनों एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हैं। दैट इज दैट मीन्स ये कौन सा एंगल हो गया एक्यूट एंगल ट्राई हो गया ठीक है तो राइट हियर ओके नेक्स्ट सेकंड वन दिया आपको राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल अभी आपने देखो राइट एंगल राइट एंगल क्या मतलब होता है इसी भी ट्राइंगल में अगर एक राइट right एंगल है ठीक है जस्ट लाइक तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है ये आपका 90 डिग्री का बन चुका है और जो दो बाकी है वो उसके क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे मतलब 90 से छोटे हैं ठीक है ना राइट ईयर ए एंगल विद वन राइट एंगल राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री ठीक है ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सिंपली और जो दोनों होंगे वो अपने आप ही क्या होंगे छोटे होंगे नाइन्टी डिग्री से हाँ नंबर थ्री ऑप्टिस एंगल ओके ऑप्टिस उप, एंगल्ड ट्राई एंगल ठीक है ऑप्टिज एंगल ट्राई एंगल ऑप्टि एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री जो 90 डिग्री से बड़ा है ठीक है तो उसका क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा ही होगा जिस लाइक तो ये देखिए आप 90 डिग्री कहाँ पे बनता है ये बनता है ना 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे बीच में बनता है नाइन्टी डिग्री ठीक है तो ये नाइन्टी डिग्री से बड़ा है ठीक तो, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया ऑप्टिज़ एंगल है ये तो अगर हम लोग इसको 120 डिग्री मान लेते हैं ठीक है और ये हमने मान लिए 30 डिग्री 30 डिग्री एंड 30 डिग्री ठीक है तो ये क्या हो गया एक 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया ना एक तो, तो दैट इज़ ऑप्टिज़ एंगल ट्राइंगल वी राइट य मोर देन मोर देन इंटी डिग्री ओके तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टि एंगल ट्राइंगल तो अभी आपने देख लिए किसके बेस पे एंगल्स के बेस पे हमें थ्री ट्राइंगल मिले हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल मतलब जो सब नाइन्टी डिग्री से छोटे एंगल्स हैं ओके नेक्स्ट सेकेंड वाला था राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री का रहेगा दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि नाइन्टी डिग्री का होना ही चाहिए ऑप्टिज़ एंगल ट्राइंगल मीन्स होता है कि जिसमें एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा ही होगा ठीक है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल ठीक है अभी देखिए इसमें हमें ये दे रखे हैं ठीक है तो आप इस इन्हें मेजर करने के लिए दिया गया है अगर हम इसे मेजर करते हैं क्योंकि हमें एंगल के बेस पे हमको ट्राएंगल बताना है ना तो अगर हम लोग इसके मेजर करते हैं दिस ट्राइंगल इज 70 डिग्री देखिए 70 डिग्री पे है ना तो दिस इज सेवेंटी डिग्री ठीक है इसे देखेंगे इसे देखते हैं तो ये है आपका ये आगे आपका सिक्सटी डिग्री ओके एंड दिस वन ये दिस वन फिफ्टी डिग्री एक ध्यान आप जरूर दीजिए जब आप राइट साइड में करते हैं ना जब आप राइट साइड का ये लाइन का इस राइट साइड में देखते हैं कभी भी जब ये 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 जो पार्ट है आपका बीच का मिडल पार्ट है उसके राइट राइट साइड में ऐसे रख के देखते हैं तो हमें हमेशा नीचे के नंबर देखने पड़ते हैं ठीक है कि कौन सा एंगल है बट जैसे हमने यहाँ इस साइड में किया ना ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया इधर से हमें ऐसे देखेंगे तो फिर हमें ऊपर का नंबर देखना है तभी हमारा एंगल राइट आएगा इसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये 130 पे भी आ रहा है कि 130 डिग्री नहीं ये 50 डिग्री है ठीक है क्योंकि ये हम लेफ़्ट साइड का देख रहे हैं अभी तो ये अपने ध्यान दीजिएगा तो देखिए इसमें क्या दिया है ये जो है एंगल डी तो एंगल डी क्या है सिक्सटी डिग्री एंग, एंगल ए, एंगल ई कहाँ है ये सेवेंटी डिग्री ओके और एंगल एफ दिस तो इज फिफ्टी डिग्री और ये जो एंगल्स को है उसको हम लोग डिग्री में शो करते हैं ये जो डिग्री दे रखा है यहाँ पे ठीक है जैसे लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर देखते हैं ना तो वैसे ही हम लोग एंगल्स के लिए क्या देखते हैं डिग्री में आते हैं हमारा ठीक है डिग्री को इससे करते हैं ऊपर लिखते हैं तो अगर हम लोग देखो ये सब के सब थ्री एंगल्स क्या है एक्यूट एंगल्स हैं सब छोटे हैं नाइन्टी डिग्री से दैट मीन दिस इज एक्यूट एंगल ठीक है ये हो गया आपका एक्यूट एंगल हो गया ठीक है अभी हम इसको इसका मेजरमेंट लेंगे तो देखिए ये कहाँ पे आ रहा है दिस इज 90 डिग्री ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री पे आ गया दिस वन अभी हम इसका मेजर लेते हैं तो देखिए ये कितना डिग्री आ गया है हमारा यह हमारा 45 डिग्री 45 डिग्री ओके एंड दिस वन अभी देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ना तो हम लेफ्ट हैंड साइड का क्या देखेंगे देखो नीचे का ये भाई ये ऊपर का देखेंगे ये ये 40 45 में आया है तो ये भी 45 डिग्री है तो इसमें क्या है देखिए जो एंगल पी एंगल पी इज फोर्टी फाइव ओके एंगल क्यू नाइन्टी डिग्री उसने क्या बोला है नाइन्टी डिग्री जिसमें आएगा नाइन्टी डिग्री का होना चाहिए तो वो कौन सा एंगल आ जाएगा आपका ये राइट एंगल ये आ जाएगा आपका राइट एंगल ठीक है तो ये कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है ये ओके नेक्स्ट ये देखिए आप इसका मेजरमेंट लेंगे तो ये 90 दिग्री, 90 दिग्री यहां पे आ रहा है ना ये 90 डिग्री है बट ये 90 डिग्री से बड़ा है 120 भी आ रहा है लगभग तो ये नाइनटी डिग्री से बड़ा है 120 अगर हम इसको लेते हैं ठीक है 120 या कुछ ऐसा है इसका थोड़ा सा वन ट्वेंटी हाँ ऐसा ही आ रहा है और इसका लेंगे तो 30 डिग्री ये देखिए 30 डिग्री पे है ओके okay? और दिस वन ऑल्सो 30 डिग्री तो ये सब 30 30 डिग्री क्या गए तो आपने पढ़ा था अभी कि मोर देन एक जो हो जाएगा बड़ा है 90 डिग्री से दैट इज़ ऑप्टिश एंगल ठीक है तो ये क्या है ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल दिस इज़ ऑप्टि एंगल ट्रायंगल इसमें एक ऑप्टूस एंगल है मोर देन 90 डिग्री और दो एक्यूट एंगल है ओके okay? तो ये हमारा ये ट्रायंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गया है नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल ठीक है तो उसमें द सम मतलब प्लस करना है द सम ऑफ मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ वन एटी डिग्री वी जो भी हमको दे रखा है चाहे वो एक्ूट एंगल्स दे रखा है चाहे ऑप्टूस दे रखा है चाहे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो इसमें क्या होगा जो तीनों का जो सम आने वाला है उसको क्या होगा वन एटी डिग्री ही आना चाहिए ओके okay? तो जैसे फर्स्ट अगर हम लेते हैं एक्यूट एंगल वाले को लेंगे तो एक्यूट एंगल का अगर हमने ये लिया सेवेंटी डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री ओके अगर हम इसको प्लस करते सिक्सटी प्लस सेवेंटी प्लस फिफ्टी तो ये हमारा कितना आना चाहिए वन एट्टी डिग्री ओके ये हमारा इतना ही आना चाहिए चाहे ये एक्यूट एंगल में ले लिया हमने या राइट एंगल में ले लिया ठीक है राइट right एंगल के क्या होता है नाइन्टी डिग्री होता है ये हमने फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव के ले लिए हमने ठीक है तो अगर हम इसे प्लस करते हैं नाइन्टी प्लस सॉरी फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव तो कितना हो गया है वन एट्टी डिग्री ठीक है चाहे हम लोग ऑप्टूस एंगल ले लें ठीक है ऑप्टूस एंगल ले लिया वन ट्वेंटी डिग्री ले लिया या वन थर्टी या वन फोर्टी कितना भी लेता उसके हिसाब से यहाँ ये छोटे अपने आप ही हो जाएंगे और ये हमें थर्टी डिग्री और थर्टी डिग्री ले लिया तो क्या इतना कितना हो गया वन ट्वेंटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री तो कितना आना चाहिए टूट का सम वन एटी डिग्री ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही है नंबर टू सेकंड जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है अब ठीक है तो पहले हम इसको समझेंगे क्या बोल रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ठीक है टू साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स हो? होती है थ्री साइड्स होती हैं तो जो बोल रहा है कि टू साइड्स का जो सम है किसी भी ट्राइंगल का वो क्या होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए लेंथ ऑफ थर्ड साइड ठीक है अगर हम सिंपली कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लें जैसे हमने ये ले लिया ठीक है अब ये तो सब बराबर साइज का लग रहा है ना अगर हम लोग इसको बोलते थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर और थ्री सेंटीमीटर ठीक है तो इसने क्या बोला सम ऑफ टू साइड्स अगर हम इन दोनों का सम करते हैं ठीक है ए बी सी तो अगर हम लोग इस किसी भी दो साइड का सम करते हैं लाइक ए बी ए बी प्लस बी सी ठीक है ये ये बड़ा होना चाहिए बिगर देन किससे ए सी से थर्ड साइड से ओके तो ए बी ए बी इजर टू थ्री सेंटीमीटर ओके प्लस बी सी थ्री सेंटीमीटर बिगर देन ए सी थ्री सेंटीमीटर ओके तो थ्री प्लस थ्री सिक्स ये कितना हो गया हमारे पास थ्री सिक्स सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ थ्री सेंटीमीटर ठीक है तो आपको पता लग गया कि दो साइड को जब हमने सम किया है दो साइड का जो भी सम किया ठीक है तो उसका जो सम आया है ग्रेटर देन थर्ड साइड ओके तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि आपके पास कोई भी एंग ट्राइंगल है चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है उनका जो भी एंगल्स का जो सम आएगा वो 180 आना चाहिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड प्रॉपर्टी कि दो साइड का जो सम रहेगा ठीक है दो साइड का जो सम रहेगा वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए तो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी फिनिश हो गया है आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट जो इसका एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके बाय